चीज़ है मेरा, मैं खा के देखता हूँ। हेलो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज मैं आया हूँ अभी गोरेगांव, और अभी फिल्म सिटी से मैं निकला और मुझे लग गई भूख, करीबन दो बज रहे हैं। सो मैं यहाँ पे आया तो एक शॉप मिला मुझे गर्मा गर्म बड़ा पाव, बट यहाँ पे बड़ा पाव नहीं मिला, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि खास स्पेशल जो स्नैक्स है फेमस है, और उसका नाम है दाबेली। दाबेली क्या चीज़ होता है, कैसे बनता है, आपको आप दाबेली खाए हो कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। लेकिन आप आज आपको बड़ा पाव का सब्स्टिट्यूट दिखाने वाला हूँ, आप बड़ा पाव भूल जाओगे। वो दाबेली क्या होता है एक्चुअली मैं बताता हूँ। सो हमारे साथ है भैया। हेलो भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। सो यार, दाबेली बड़ा फेमस है अब, है ना, कुछ क्या है मुझे बताओ इसके बारे में। दाबेली बोले तो प्योर वेज चीज़ है, शरीर के लिए अच्छी चीज़ है, और रेगुलर जो दाबेली हर जगह मिलती है, ये जैन दाबेली बोलेंगे तो आपको केला और सूजी एक बनाओ ना, एक बनाओ सूजी और रवा से बनता है। अच्छा। और रेगुलर जो होता है जो सभी लोग खाते हैं वो आलू और रवा रहता है। अच्छा, ये फसली अब क्या की है, ये क्या है, ये ओनली फ्रूट है, ये फ्रूट है। हाँ ओके, ये फ्रूट, ये टॉपिंग है, ये ऊपर की टॉपिंग है। जो भाजी है आपको ये दिख रही है, ये जो है सेब, केला, चीकू और पेर। ओके। ये चार चीज़ से बना है। नाशपाती का सीजन आता है तो और टेस्ट बढ़ते हैं। ओके। सो आप कैसे कैसे बनाते हैं वो दर्शकों को बताते जाइए और बताते। सो आपने पहले क्या लिया? पावली। पाव। ओके। ये चटनी है, ये भी आपको हर जगह नहीं मिलेगी। ओके। ये चटनी क्या क्या है? ये खजूर है, अखरोट है। ओके ओके। वो जिसे वॉलनट बोलते हैं। ये प्याज है। ओके। ये सेंग है। ये सेंग भी मसाले में है। ओके। हाँ। सो ये मुंबई में कहाँ कहाँ मिलता होगा? ये ऑलमोस्ट सभी जगह में दाबेली मिलेगा, लेकिन ज़्यादा आपको खाना है तो फिर ताज में आप खा सकते हैं। ताज? हाँ। ताज नहीं तो यहाँ पे आओ, यहाँ दो ही जगह। हाँ। मुंबई में ईमानदारी से जो चीज़ है, ईमानदारी। हाँ, ताज पैसा लेता है लेकिन चीज उनकी क्वालिटी है। अच्छा। हाँ, क्वालिटी है ताज में। अगर दाबेली का अगर रेट देखा जाए तो कितना होगा? ज्यादा नहीं होंगे, 1500 के आसपास होंगे। और आप कितने में खिला रहे हो? 20 रुपीज। 20 रुपीज। सो अगर कह जो दाबेली है खाना है तो आपको ताज में जाओगे तो 1500 और यहाँ 20 रुपये में। सो देखो ये रेसिपी बन रहा है, पढ़ाई यही किए थे। क्वालिफिकेशन आप तो फिर तो वो की होगे आप, होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट तो कहाँ से सीखा आपने? सो अब क्या कर रहे हो? ये अभी सेक रहे हैं। सेक रहे हो? हाँ, बटर में। हाँ, बटर में ही सेकना है। इसमें बटर, ओरिजिनल बटर? ओरिजिनल बटर बस 20 रुपये में? 20 रुपये में ओरिजिनल बटर। हमारे आप वड़ा पाव देखेंगे वो भी 15 रुपये में है, और हमारा वड़ा पाव आज नहीं, आज 50 ईयर्स से है, पहले 5 रुपये ही था, 5 रुपये के नाम से ही फेमस है। हाँ, हमारा 5 रुपये वड़ा पाव थे, सादा डोसा 10 रुपये था, मसाला डोसा 15 रुपये थे। अच्छा। हाँ, क्या बात है। लेकिन अब महंगाई के हिसाब से 15 रुपये हो गए इसके। अच्छा, अब क्या बोल रहे थे कि अगर दावेली कोई खाएगा तो सिंगल खा के नहीं? सिंगल नहीं खा सकते, ये मेरे है। क्यों सिंगल नहीं खा सकते? हाँ, क्यों नहीं खा सकता? उसका मन नहीं भरेगा, वापस वो मांगेगा। मांगेगा? हाँ, दूसरा खाना है। हाँ। ये मैं चैलेंज करता हूँ। चैलेंज है। मैं वेट कर रहा हूँ दूसरा खाने का। हाँ? मैं वेट कर रहा हूँ दूसरा खाने का। ये हमारे साथ एक कस्टमर है, ये देखो ये ऑर्डर किए हैं, और साथ में ये भैया पहले टेस्ट करवाने वाले हैं कैसा है। तो खाए हो आप? हाँ, एक खाया, मजा आ गया। और ये देना इसकी केवल फलों से बना हुआ। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, जीत करना चाहे तो कोई जीत करके आएगा कि नहीं मैं एक ही खाऊंगा। हाँ हाँ। लेकिन अगर दिल से बोले, अगर वो एक खा के चला जाए तो जिंदगी भर मेरे पास फ्री खा सकता है। क्या बात, जब तक जिएगा मतलब। हाँ। दो खाएगा ही खाएगा। खाएगा ही। सो ये अभी रोस्ट हो रहा है, एक्चुअली 5 मिनट रोस्ट होगा ही। हाँ, 5 मिनट रोस्ट करेंगे अपन। हाँ, है ना, 3 to 5 मिनट। 3 to 5 मिनट। ओके। अब रेडी हो गया है, अभी आप खाने वाला हूँ। आप खुद वाला हूँ मैं। कितना क्रिस्पी है आप खुद टच करके देख सकते हैं।
यहाँ तक कि जो सबसे नरम है ये भी आपको पूरे बटर की तरह एकदम कड़क मिलेंगे। कड़क है, कड़क है ये सच में। ये आपका अभी ये ये सेव की टॉपिंग है, ये मसाला सेंग है और ये चटनी जो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। सो ये रेडी हो गया? यस। सो फाइनली दावेली ये रेडी हो गया है। दावेली है आपको ताज होटल में मिलने वाला है, नहीं तो गोरेगांव सोनावाला रोड पे यूनियन बैंक के जस्ट सामने है। ओके सामने ही। तो भैया ये खाने के लिए किसी का इंटरेस्ट हो तो बस यहाँ आ जाओ। यस हाँ। और आप तो चैलेंज करे हो? मैं चैलेंज कर, एक आएगा एक खाएगा तो दोबारा खाने ही खाना, उसी समय दोबारा खाएगा, उसी समय मैं खा के देखता हूँ। काफ़ी टेस्टी है एक्चुअली, इसलिए बड़ा कहिए जो बड़ा पाव है ना, बड़ा पाव यार उससे तो बेहतर है। सो काफ़ी अच्छा लगा सच में जो भैया बोले कि अगर एक पाव के दोबारा खाने का मन करेगा मुझे लग रहा है। तो आप लोग बॉम्बे में हो तो गोरेगांव आओ और भैया के पास आगे खाओ। आपको मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप ओनियन कांदा और लहसुन चटनी ये अगर दो चीज़ नहीं डाले, आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो 3 से 4 दिन तक आप अपने पास रख सकते हो। नो फ्रिज, क्या बात है, नो माइक्रो, आप हाँ 3 से 4 दिन तक आप लेकर के ट्रैवल करके खा सकते हो, ये ख़राब नहीं होगा। सो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और इस दावेली को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, और जो भी फूडी हो और दावेली खाना है बॉम्बे आ जाओ, है ना, है ना भैया। यस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।